सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jamil Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. PDM का आज भी जलसा हुआ, आज भी तकारीर हुई, आज भी वादे वईद हुए और आज भी डराया धमकाया गया। कहा गया कि इस्तीफे आ सकते हैं, लॉन्ग मार्च हो सकता है, धरना हो सकता है, लेकिन अवामे पाकिस्तान आज भी दोहरे तजब्जुब का शिकार हैं। अवामे पाकिस्तान की कैफियत उस तमाशाई की मानिंद है जो एक मैच देख रहा होता है और दो टीमों को खेलता हुआ देखता है और उसको दोनों टीमों का पलड़ा भारी दिखाई देता है। अवामे पाकिस्तान ये सवाल करते हुए हंसते हैं कि क्या हुकूमत ठीक से हुकूमत कर रही है, और यही अपोजिशन का कहना है। और हुकूमत ये कहती है कि क्या अपोजिशन ठीक से अपोजिशन कर रही है, और यही तमाशाई भी पूछता है। उसको लगता है कि एक टीम ठीक से खेल रही है तो क्या ठीक से खेल रही है, और दूसरी टीम अगर ठीक से खेल रही है तो क्या ठीक से खेल रही है। इस तजब्जुब की कैफियत में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो उस तमाशाई का हो रहा है जिसे हम अवामे पाकिस्तान का नाम देते हैं। और अवामे पाकिस्तान शायद अब ये समझने लग गई है कि हुकूमत वक्त गुजारी का नाम नजर आता है। परफॉर्मेंस ना तो हुकूमत के पार्ट पर कुछ है और ना ही अपोजिशन के पार्ट पर कुछ है। अगर अपोजिशन ने इस्तीफे देने हैं तो दे देने चाहिए, अगर धरना करना है तो कर देना चाहिए, और अगर मार्केट्स ब्लॉक करने हैं, शटर डाउन करना है तो कर देना चाहिए, और अगर लॉन्ग मार्च करना है तो कर देना चाहिए। जबकि गवर्नमेंट से सवाल यह किया जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें किसने कम करनी थी, महंगाई इतनी जो बढ़ गई है उसको किसने कम करना था, डॉलर इतना ऊपर चला गया, रुपया इतना नीचे चला गया, इसको कौन बेहतर करेगा, और आवाम की जो मेयारे जिंदगी को बेहतरी के दावे और वादे वईद थे वो कब पूरे होंगे। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #PakPolitics। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे गेस्ट पैनलिस्ट एहसन इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और साबिक वफाकी वजीर दाखिला, और मोहम्मद अली दुर्रानी साहब, साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात और हालिया जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल। मैं अपने ऑनरेबल गेस्ट पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहता हूं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में एहसन इकबाल साहब वन ऑन वन हमारे साथ मौजूद होंगे। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज भी पीडीएम का जलसा हुआ, बीबी शहीद की बरसी थी, उसके ऊपर लाड़काना में इसका इनेकाद किया गया और लोगों की एक बड़ी तादाद ने उसमें शिरकत की है। अब पीडीएम की बाकी क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी, वो तो सब अपनी जगह पर, लेकिन एक और कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है और उस कंट्रोवर्सी के हवाले से आपसे सवाल पूछना बनता है। सवाल ये बनता है कि मौलाना शिरानी, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, शुजाउल मुल्क और इसके अलावा दीगर वो तमाम लोग जो इस वक्त JUI फे की सीनियर लीडरशिप के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं, और JUI की सीनियर लीडरशिप ने और उनकी जो एग्जैक्टिव काउंसिल है उनने उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी है, तो ये जो वेव ऑफ स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं ये महज इत्तफाकिया है या बाय डिज़ाइन है? एहसन इकबाल साहब, नहीं, ये बिल्कुल इत्तफाकिया नहीं है, बाय डिज़ाइन है। 72 सालों से हम यही काम तो करते आए हैं, कभी पीपल्स पार्टी के टुकड़े करने हैं, कभी मुस्लिम लीग नून के टुकड़े करने हैं, कभी ANP के टुकड़े करने हैं, कभी किसी और जमात के टुकड़े करने हैं, लेकिन आपने देखा जितने भी टुकड़े किए गए आज भी मुस्लिम लीग नून एक ही है जो अवाम की नज़र में जायज़ है, पीपल्स पार्टी एक ही है जो अवाम की नज़र में जायज़ है। तो लिहाजा इस तरह के जो डिसिडेंट्स आते हैं वो बाज़ मखसूस हलकों की तरफ से प्रॉप अप किए जाते हैं, लेकिन वो लेजिटिमेसी नहीं ले सकते। लेजिटिमेसी उन्हीं के पास रहती है जिनको उनकी जो फॉलोअरशिप है वो एक्सेप्ट करती है। तो लिहाजा ये एक मखसूस माहौल के लिए या मखसूस मकासद के लिए कुछ लोगों को खड़ा किया गया है, पर बात नहीं बनेगी। तो एहसन साहब, JUI के बाद अगली बारी PMLN की भी हो सकती है, इससे पहले भी हमने देखा कि नून लीग के अंदर टूट फूट हुई है, तो अगर इतनी बड़ी तादाद में आप ही की पार्टी के लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, माजी में भी हमने देखा काफ लीग बनी थी, तो फिर आप लोग तैयार हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? नहीं, हमने ये भुगता है, हमारी पार्टी को तोड़ के उसमें से काफ लीग निकाली गई, आज किधर है काफ लीग?
पीपल्स पार्टी के अंदर से नेशनल पीपल्स पार्टी और क्या क्या धड़े निकाले गए, वो किधर हैं आज? कोई भी नहीं है। तो ये इस तरह की जो मसनूई ऑपरेशन है, ये देरपा नहीं होते। जो असल है वो असल ही रहता है। असल नोट के आप जितने मर्जी नकली नोट छाप लें, असल नोट असल ही रहता है। और वो जो नकली नोट है वो मार्केट में चलता नहीं है, चाहे आप उसको कितने रंगों से छाप लें, जितने मर्जी उस पर आप पॉलिश कर लें, नकल नकल रहता है और असल असल रहता है। वेरी राइट अहसन साहब, सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि अवामे पाकिस्तान एक तमाशाई की हैसियत से एक मलाखड़ा देख रहे हैं, एक खेल देख रहे हैं, जिसमें दो फरीक आपस में गुत्थम गुत्था हैं और वो इस तजब्जुब का शिकार है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। उनमें से अक्सर सवाल ये भी करते हैं और हंस हंस के करते हैं कि क्या हुकूमत ठीक से हुकूमत कर रही है, तो दूसरा ये पूछता है कि क्या अपोजिशन ठीक से अपोजिशन कर रही है। तो मैं एक पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से आपसे सवाल करता हूँ कि बतौर अपोजिशन क्या आप ठीक से अपोजिशन कर रहे हैं? देखिए, ये अभी कॉल और फेल का सवाल नहीं पैदा हुआ, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल दिया है और जब इस्तीफ़ों का फैसला किया गया उससे बहुत पहले पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से रजू कर चुकी थी कि सेनेट के इलेक्टोरल कॉलेज के लिए जो सूबाई नशस्तें खाली हैं उन पर इलेक्शन किया जाए। तो इस पर पीडीएम की क्यादत गौर करेगी और फिर इत्तफाक़ राय से फैसला करेगी। जो भी फैसला होगा वो तमाम जमातों की मुशावरत से होगा और उसको सब फिर फॉलो करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपने कैंडिडेट उतारेगी सर ज़मीनी इंतखाबात में? जैसे मैंने कहा ना कि पीडीएम लीडरशिप इस मसले पर अनकरीब मीटिंग करेगी और ज़मीनी इलेक्शन का भी मसला है और इसी तरह सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी बात ज़ेरे गौर है और हतमी फैसला पीडीएम सब जमातों के मुशावरत से करेगी और जो फैसला भी पीडीएम की लीडरशिप ने किया पीएमएलएन उसे फॉलो करेगी। वो बात तो ठीक है सर, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब बारहा टेलीविजन प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि हम अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, तो वो मावरा तो नहीं है किसी से, वो भी पार्टी का हिस्सा है, तो कोई ना कोई डिसीजन तो हुआ है। हर पार्टी की राय हो सकती है और जब हम पीडीएम में जाते हैं तो हर जमात अपनी राय का इजहार करती है, फिर उस पर डिबेट होती है और आखिर में कंसेंसस के साथ फैसले हो जाते हैं। और जो फैसले होते हैं आपने देखा है कि अब तक जितने भी फैसले हुए हैं तमाम जमातों ने उनका एहतराम किया। इसी तरह ये भी, जब तक पीडीएम की क्यादत इस पर कोई हतमी राय ना दे दे या फैसला ना कर ले, मुनासिब नहीं है कि हम उसके हवाले से कोई क्यास राय करें या अपनी पार्टी के फैसले को या अपनी पार्टी की राय को मुकदम रखें। तो इसका मतलब है कि ज़ुबैर साहब की जो बात है या उन्होंने जो राय दी है वो अपनी ज़ाती हैसियत में दी है, आप ये कहना चाह रहे हैं वो पार्टी मौकफ नहीं है? जी है, पार्टी ने तो बहुत क्लियरली कहा है कि हतमी फैसला हम इंतज़ार करेंगे पीडीएम लीडरशिप का, जो पीडीएम लीडरशिप डिसाइड करेगी वही फिर पार्टी का फैसला होगा। अगर आप लोग ज़मीनी इंतखाबात में अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं तो फिर तो आप लोगों का जो इस्तीफे देने की डेडलाइन का फैसला है वो तो नल एंड वाइड हो गया। या तो आप लोगों की स्टेटमेंट ये आएगी कि आप लोग अपने इस उन इंतखाबात में, ज़मीनी इंतखाबात में अपने कैंडिडेट्स नहीं उतार रहे, फिर तो समझा जाए कि उससे पहले आप लोग इस्तीफे दे सकते हैं, वरना तो आप अपनी ही जो स्टेटमेंट है या बयानात हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अहसन भाई देखिए, जो इस्तीफे हैं अभी तमाम पीडीएम की जमातों ने अपनी क्यादत तक पहुंचाने की हदायत दी है, तो जो अभी पहले मरहले में फैसला हुआ है वो ये है कि इस्तीफे अपनी अपनी लीडरशिप को जमा करा दिए जाएंगे और जब मुनासिब वक्त होगा लीडरशिप उनको टेंडर करेगी। और इस इस्तीफों की मंजिल से पहले एक और मंजिल है जिसका नाम लॉन्ग मार्च है और लॉन्ग मार्च भी इससे पहले होना है। लिहाजा ये कह देना कि जी चूंकि आपने इस्तीफे ले लिए हैं आप कोई और कदम नहीं कर सकते, अभी कबलज वक्त है, क्योंकि ये इस्तीफे अभी पार्टी लीडरशिप ने लिए हैं, ये अभी स्पीकर्स को टेंडर नहीं किए गए। जब ये स्पीकर्स को टेंडर कर दिए जाएंगे इसके बाद फिर बिलाशुबा अगर कोई बाई इलेक्शन होता है उसमें हिस्सा लेने पर एक सवालिया निशान खड़ा किया जा सकता है, लेकिन जब तक ये स्पीकर तक नहीं जाते इस्तीफे और पार्टी क्यादत के पास हैं तो इस बात के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि अगर कोई फैसला होता है बाई इलेक्शन कंटेस्ट करने का तो वो किसी लिहाज से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। मुनासिब वक्त की बात आप कर रहे हैं अहसन इकबाल साहब, मुनासिब वक्त कब आएगा? यानी 2021 का कोई मुनासिब वक्त या फिर 2023 का कोई मुनासिब वक्त इस्तीफों के हवाले से कोई जहन में तो होगी ना आपके, डेडलाइन के इस डेडलाइन तक हम लोगों ने दे देने हैं इस्तीफे? जी ऑब्वियसली जो मुनासिब वक्त है वो 2021 के अंदर ही होगा और पहले हाफ के अंदर ही होगा इंशाल्लाह ताला,
क्योंकि इस हकूमत के लिए अब नामुमकिन हो गया है कि इसे टॉलरेट इसके लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश निकाली जाए। आपने खुद देखा है कि वज़ीर आज़म साहब एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्हें तो 2.5 साल पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। ये वही वज़ीर आज़म है जो इलेक्शन से पहले चीख चीख कर कौम को बताते थे कि मेरे पास हर मसले का हल मौजूद है, मेरे पास 200 ड्रीम टीम के अराकीन मौजूद हैं, मैं एक ऐसी काबीना बनाऊंगा कि लोग दंग रह जाएंगे। यकीनन दंग तो लोग रह गए हैं इनकी नाकस कारकर्दगी पे और नाहली के ऊपर, और मैं आऊंगा तो 200 अरब डॉलर आ जाएगा, मैं आऊंगा तो पैसों की बारिश हो जाएगी, दूध और नहर जो है शहद की नहरें बहेंगी यहाँ पर। वो सब कुछ तो झूठ साबित हुआ। अब आके हमें बता रहे हैं कि जी मुझे तो समझ ही नहीं लगी कि पाकिस्तान के मसले क्या हैं। तो आप क्या फिर चूरन बेच रहे थे इलेक्शन से पहले? आप क्यों लोगों को धोखा दे रहे थे कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सीख लिया है और मेरे पास अब बड़ा तजुर्बा आ गया है और पाकिस्तान के हर मसले को मैं ये चुटकी बजाते हल कर दूंगा? तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा सियासी धोखा है जो इमरान खान साहब ने किया, और इस धोखे में क्या हम मुल्क के मुस्तकबिल को मजीद होस्टेज रख सकते हैं? मैं नहीं समझता कि कोई भी मुहिब वतन अब इस बारे में कोई इत्मीनान रखता है कि इस हकूमत के हाथ में हम अपना मुस्तकबिल दिए रखें। जिस तरह आपने कहा कि हम होस्टेज नहीं रख सकते, बात तो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, लेकिन एक तरफ तो आपको खान साहब की बतौर इंसान और बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑनेस्टी को क्रेडिट देना होगा, कम अज़ कम जो उनके दिल में है, उनके दिमाग में है, उनकी ज़बान पर भी होता है और वो जो कहते हैं वो सबके सामने होता है, चाहे इसके ऊपर अपोजिशन ओवर प्ले करे या फेयर प्ले करे, वट एवर द केस इट इज़। लेकिन साथ साथ आपसे सवाल ये भी बनता है हसन इकबाल साहब कि आप लोग भी तो सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं, सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं, आई मीन के अगर होस्टेज है मुल्क तो आप लोग फौरन दें इस्तीफे, जान छुड़ाएं, रौला मुके, और जो गलत है गलत, जो ठीक है ठीक, दूध का दूध पानी का पानी, इतना तरद्दुद, इतनी देर क्यों एहसन साहब? देखिए, आपने पहली बात जो की कि इमरान खान साहब को ऑनेस्टी का क्रेडिट देना चाहिए, तो फिर जो इलेक्शन से पहले उनकी तकरीरें थी क्या वो झूठ थी? तो उस झूठ पे कौन पकड़ करेगा? आपने क्यों कौम के साथ झूठे वादे किए, क्यों कौम को झूठे बाग दिखाए, सब्ज बाग दिखाते रहे जी। वो उधर एक शख्स ने कहा कि इमरान खान साहब तो बेगुनाह है, उन्होंने अपना कोड जो है वो अपने झंडे में कौम को बता दिया था। ये तो कौम ही भूली है, समझ नहीं सकी। उन्होंने दो रंग का इंतखाब किया है, एक सब्ज रंग का कि मैं आपको सब्ज बाग दिखाऊंगा, और दूसरे लाल रंग का कि मैं आपके तमाम ख्वाबों और अरमानों का खून करूंगा। तो वो तो अपने उस कोड के मुताबिक। सर, अफसोस की बात तो ये है कि वो सब्ज बाग दिखा रहे हैं, जिस तरह आप लोग कहते हैं कि वो सब्ज बाग दिखा रहे हैं, चले ये माना, लेकिन आपने तो सब्ज बाग बनाए। यानी अब 40 साल तक अगर डेमोक्रेसी में दो पार्टीज बड़ी इकतदार में रही हैं, तो एक आपकी थी, एक पीपल्स पार्टी थी, तो आप लोगों के जो बनाए हुए सब्ज बाग हैं उनसे भी तो कोई खास मुस्तफीद नहीं हुई पब्लिक। मसला सारा ये है ना सर, देखिए अपोजिशन ठीक से अपोजिशन नहीं कर रही है, अगर गवर्नमेंट ठीक से गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो क्वेश्चन मार्क है। देखिए, ये दोनों चीजें मैं वाज़े कर दूं प्लीज। जहां तक इक्तदार का सवाल है, मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 9 साल हुकूमत की है जी हाँ, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज पाकिस्तान में अगर कोई तरक्की की अलामत है, अगर आज पाकिस्तान में कोई तरक्की की इक्तसादी पॉलिसी है, तो वो इन्हीं 9 सालों में मुस्लिम लीग नून के अदवार में उसने जन्म लिया है। चाहे वो डीरेगुलेशन हुई इकॉनमी की, चाहे वो लिबरलाइजेशन हुई, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हुआ, चाहे वो फाइनेंशियल और टेलको सेक्टर को ओपन करना और उसमें प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त देने का फैसला था, चाहे वो पाकिस्तान के तवानाई के मनसूबे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स के लिए हायर एजुकेशन की तरक्की का मैदान है, किसी भी शोबे में, चाहे वो डिफेंस और सिक्योरिटी का मैदान है, चाहे वो F-17 थंडर तैयारे की तैयारी है, चाहे वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, आप कोई पाकिस्तान की तारीख का संगे मील उठा लीजिए, वो आपको मुस्लिम लीग नून के 9 सालों में ही नज़र आएगा। तो इसलिए हम तो बहुत फख्र करते हैं कि जब भी हमें मौका मिला है हमने पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया। आज आप देखिए, हमारे 5 साल की हुकूमत के बाद पाकिस्तान में एक मवासलात का इनकलाब आ चुका है, एक कनेक्टिविटी का इनकलाब आ गया है। आज जिस तरीके से साउथ पंजाब और नॉर्थ सिंध और दूसरे बलूचिस्तान के इलाके जुड़ रहे हैं पाकिस्तान में तरक्की के साथ, जो शाहराओं का जाल हमने फैलाया है, जो हमने तवानाई के मंसूबे लगाए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बैकबोन रख गए हैं, इन सब के साथ आज मुल्क तो
एक टेक ऑफ की मंजिल पे खड़ा था 2018 में। इसमें तो कोई शक नहीं है एहसान इकबाल साहब, इसमें कोई शक नहीं है, आपने जो बात कही अपनी जगह पर, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी भी जदीद ना हो जाए कि कल तक जिस टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क के अंदर बैठकर बात होती थी और मुझे क्यों निकाला के हवाले से बयानात दागे जागे जाते थे, अब बैरून मुल्क से उसी के जरिए क्रूज मिसाइल फेंके जाते हैं अपने मुल्क के इदारों के ऊपर, तो ये अफसोसनाक है जिसके ऊपर पब्लिक में भी गुस्सा है। मैं आपको एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे रहा हूँ, पब्लिक में भी आपकी पार्टी के चाहने वाले लोगों में भी एक गुस्सा है कि मियाँ साहब लंदन से बैठकर जो करते रहे हैं वो उनको पसंद नहीं आया, एक मैं आपको इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे रहा हूँ। आपकी राय हो सकती है, लेकिन जो हमें राय मिलती है उसके अंदर पाकिस्तान का हर शहरी मुस्तरब है। मुस्तरब इसलिए है कि जो 72-73 साल से खेल चल रहा है, लोग चाहते हैं कि इसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में आप मुझे बताइए कि मैंने अगले दिन सर्वे किया अपने ट्विटर अकाउंट पे कि पाकिस्तान में 72 साल में किस इदारे को सबसे ज़्यादा इक्तदार तसलसल के साथ हासिल रहा है और किस इदारे की बालादस्ती रही है, पार्लियामेंट की, अदलिया की, इस्टेब्लिशमेंट की। 78% लोगों ने कहा इस्टेब्लिशमेंट की। देखिए, पाकिस्तान का हर शख्स जानता है कि इस मुल्क के अंदर 72-73 सालों से एक ही इदारा, एक ही हिस्सा है रियासत का जो बालादस्त है और गालिब है। सियासतदान तो कुछ देर के लिए मेहमान अदाकार के तौर पे आते हैं, लिहाजा ये जो एक बंदोबस्त बना ये चल नहीं रहा। 72 साल हो गए हैं, इंडिया हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश आगे निकल गया, अब अफगानिस्तान भी आगे निकल रहा है, नेपाल, श्रीलंका भी आगे निकल गए। हमने ये फैसला करना है कि क्या जो माजी के रवैये थे उन्हीं के मुताबिक इस मुल्क को चलाना है या इस मुल्क को एक रीसेट देना है। मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान के सियासतदानों का, पाकिस्तान के जनरल्स का, पाकिस्तान के जजेस का, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स का और पाकिस्तान के मीडिया के जो लोग हैं उनका, हम सब का एक इम्तिहान है कि क्या हम इस मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से एक रीसेट कर सकते हैं कि जो नमूना हमारे आईन में वजा किया गया है हम उसके मुताबिक इस मुल्क को चलाएं, अपनी इख्तराओं में इस मुल्क को। लेकिन एहसान इकबाल साहब, एहसान इकबाल साहब, उस रीसेट करने की जो डायरेक्शन है वो तो क्लियर होनी चाहिए ना। अब अगर हमारी अपोजिशन जो कि एक शेडो गवर्नमेंट होती है, जब भी आप देखते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी भले ले लें, अपोजिशन गवर्नमेंट इन मेकिंग होती है किसी भी दौर में, चाहे खान साहब अपोजिशन में थे या आप लोग अपोजिशन में हैं, लेकिन आप लोगों की डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है। अभी आप बता रहे हैं कि आप लोग इस्तीफे आप अगले यानी 6 महीने के अंदर दे सकते हैं फर्स्ट हाफ में। चलें, आपने कम से कम इतना तो डिफाइन किया कि पहले 6 महीने में इस्तीफे आ सकते हैं, आपने अभी तक लॉन्ग मार्च की डेट नहीं दी है। मैं सलाम पेश करता हूं राणा सनाउल्ला साहब को जिन्होंने 23 मार्च का कह दिया कि 23 मार्च या 23 अप्रैल के दरमियान लॉन्ग मार्च हो सकता है, आपको एग्जैक्ट डेट तो दें। पब्लिक अगर आपकी तरफ देख रही है तो उनको डेट तो दें कोई। जी जमील साहब, इसके लिए भी हमने टाइम फ्रेम दिया है कि 1 फरवरी को पीडीएम की लीडरशिप लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेगी, लेकिन हम उस शेड्यूल से पहले मीडिया की फरमाइश पे तो नहीं चलेंगे ना। हम एक सियासी कुव्वत हैं, हम एक सियासी जमात हैं, हमारी सियासी हिकमत अमली है, उसके हमारे अपने टाइम फ्रेम हैं और हमारा जो टाइम फ्रेम है वो मीडिया की किसी सुर्खी या टॉक शो के जरिए तो ऐलान नहीं होगा, वो तो पॉलिटिकल सतह पे ही उसको हैंडल किया जाएगा। तो लिहाजा जो हमने अनाउंस किया है कि 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च की डेट का ऐलान होगा, तब इंशाल्लाह आप इंतजार कीजिए, आपको मुतमिन करेंगे, बहुत अच्छा ऐलान होगा। नहीं, अगर आपके ही कुछ रानुमा अगर टेलीविजन के हेडलाइंस की जीनत बन जाते हैं खुद भी और अपनी पार्टी को भी बना देते हैं तो फिर हमारे लिए बड़ा एम्बिगुअस होता है ना। अब राणा सनाउल्ला साहब कह चुके हैं कि 23 मार्च को हम लोग धरना देने जा रहे हैं, क्या आप इसकी तस्दीक करेंगे कि वो ठीक कह रहे हैं? देखिए, उनकी राय हो सकती है, किसी की राय हो सकती है कि 23 मार्च का एक मुबारक दिन है उससे आगाज होना चाहिए, हो सकता है कोई 1 मार्च की बात करे। ये तो बातें जब पीडीएम की लीडरशिप के सामने ये सारी तजावीज आएंगी और वो हतमी फैसला करेंगे तभी उसकी कोई बाकायदा हैसियत होगी। उससे पहले ये जाती राय है, मैं भी कह सकता हूँ कि फलां तारीख से का होनी चाहिए, कि आपकी एक और राय हो सकती है, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए 1 फरवरी का। इंशाल्लाह बहुत अच्छा भरपूर ऐलान होगा लॉन्ग मार्च का। एहसान इकबाल साहब, अब मुझे समझ नहीं आती ये, मैं वैसे अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों के हवाले से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट के वज़रा आन की आन में तज़ियाकार बन जाते हैं, आन की आन में स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं और आन की आन में उनका स्टेटमेंट नल एंड वाइड हो जाता है, पता नहीं चलता। और यही हाल जो है ना अपोजिशन के, मैं तभी तो कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट ठीक से अपोजिशन ठीक नहीं हुकूमत कर रही तो अपोजिशन भी ठीक से अपोजिशन नहीं कर रही। इस मामले को हम चले साइड पे कर देते हैं। अब अगर अपोजिशन
अपोजिशन ना कर रही होती तो आपको कभी वजीर आजम साहब के ये बयान सुनने को मिलते जो वो आपको सुना रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही हुकूमत कैसे चलानी है। उनको दिन में तारे नज़र आ रहे हैं और ये दिन में तारे उन्हें नज़र आ रहे हैं अपोजिशन की वजह से, हमारी तहरीक की वजह से। हम अगर अपोजिशन ना कर रहे होते तो वो भी चिल करके बैठे होते। चलें आपको तो इस बात का क्रेडिट देना चाहिए। देखें अच्छी अपोजिशन जो होती है जाहिर है कि गवर्नमेंट को वो किसी ना किसी ग्राउंड पे लेकर आती है और उनके खिलाफ जो दलाइल होते हैं वो काबिल इस्तेमाल होते हैं और ये हर दौर में होते रहना चाहिए, जमहूरियत का हुस्न है। अब मुझे आपसे सवाल ये करना है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाई जो कि पीडीएम का हिस्सा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अगर इस्तीफे देने से बैकआउट करते हैं तो फिर भी आप लोग इस्तीफे देंगे, ऐसा इकबाल साहब जी? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होस्ट की जी, और उनकी मेजबानी में वहां पर एक डेक्लेरेशन मंजूर किया गया जिसको सब पार्टीज ने एंडोर्स किया। और इसी तरह जो उनकी क्यादत है वो अक्सर कह चुकी है कि हम पीडीएम के साथ मुंसलिक हैं और पीडीएम के फैसलों का एहतराम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें किसी ऐसी क्यासराई में नहीं जाना चाहिए जिससे हम किसी की नीयत पर शुबा करें। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हर पार्टी फुली कमिटेड है उस चार्टर के साथ जो उसने मंजूर किया है, उन मकासद के साथ जो हमने आउटलाइन किए अपने डेक्लेरेशन के अंदर। और इस वक्त कोई भी पार्टी बशमूल पीएमएलएन अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो पीडीएम के साथ कोई गद्दारी करे या पीडीएम को किसी भी लिहाज से कमज़ोर करे, क्योंकि इसका बैकलैश जो है वो उस पार्टी पर गिरेगा जो भी ज़रा नरम होती नज़र आएगी। तो लिहाजा इस वक्त तमाम पीडीएम की जमातें एक चट्टान की तरह मुत्तहिद भी हैं और मजबूत भी हैं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे लिए ज़रा चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जिस तरह जरदारी साहब का टेलीफोनिक रब्ता हुआ मियाँ नवाज शरीफ साहब से और इस्तीफ़ों के हवाले से कहा गया कि इस्तीफे ना दिए जाएँ तो बेहतर होगा, मशावरत चल रही है उसके ऊपर, इसीलिए सवाल उठते हैं। ये कयास आराइयों पर मबनी नहीं होते, ये फ्यूचर प्रेडिक्शन के ऊपर नहीं होते, ये सिर्फ हालात की संगीनी और मामलात की नज़ाकत को देख कर ही पूछे जाते हैं। इन केस अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती है विफाक और सिंध से, तो फिर आप लोग भी इस्तीफे नहीं देंगे या इस्तीफे देना अटल है? आप लोगों का मानना अपनी जगह पर कि जी का जाना ठहर गया, ना ठहरा तो फिर क्या होगा? देखिए जो चीज़ अटल है वो ये है कि इमरान खान साहब को घर जाना होगा, क्योंकि वो मुल्क की काफ़ी तबाही कर चुके हैं और मजीद तबाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस्तीफे भी सब पार्टीज़ ने फैसला किया है कि 31 दिसंबर तक अपनी अपनी लीडरशिप को पहुंचा दिए जाएं। इन इस्तीफों को कब देना है, किस शक्ल में देना है, किस जगह देना है, इसका फैसला लॉन्ग मार्च के बाद पीडीएम की लीडरशिप करेगी। और जैसे पिछले फैसलों में पीडीएम की तमाम जमातों ने मिलकर फैसले किए और उन पर अमल किया, मुझे यकीन है कि जब इस्तीफे देने के हवाले से भी कोई फैसला हतमी होगा तो सब पार्टीज उस पर पैरा देंगी इंशाल्लाह। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि इस्तीफे कल देने हैं तो आज दें, देने के और दिखाने के और इस्तीफे ना दिखाएं हमें, तो बात तो उनकी किसी हद तक ठीक है कि अगर आपने इस्तीफे देने हैं, आप लोगों को गवर्नमेंट गिरानी है तो कल देने की बजाय आज 440 इस्तीफे दें, गिराएं गवर्नमेंट, पब्लिक जो हैंग हुई है सारी सिचुएशन में उनकी भी जान छूटे और आप लोग किसी एक पॉइंट पे तो आ जाएं कम से कम। देखिए हम इस्तीफे उस वक्त देंगे, एक मौका हमने दिया है 31 जनवरी तक इस हकूमत को कि इमरान खान साहब या खुद मुस्तफ़ी हो जाएं और फिर हकूमत एक नए इंतखाब का ऐलान करे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर वो अपोजिशन के लॉन्ग मार्च का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। तो इन्हें जो जल्दी है वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। उनका ये इस्तीफ़ों का जो शौक है जब पूरा हुआ तो इनके पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर ऑप्शन है इस वक्त ऑपोजिशन के पास, 850 हल्के होते हैं जिनको न्यूक्लियर ऑप्शन है। ट्रिगर किसके हाथ में है सर? ट्रिगर पीडीएम लीडरशिप के पास है, मौलाना साहब के पास है, मौलाना साहब के पास है। देखिए नहीं, ये पीडीएम की जो कलेक्टिव लीडरशिप है उसके पास है। और मैं जो बात कह रहा था कि जनरल इलेक्शन में 850 हल्कों पर इंतखाब होता है कौमी और सूबाई असेंबली के, इस वक्त ऑपोजिशन तकरीबन 425 हल्कों की नशिस्तें अपने पास रखती है। आप मुझे बताइए कि जब 850 में से 425
रिजाइन कर देंगे तो क्या वहां पे जिमनी इलेक्शन हो सकता है? अपने मौजूद मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में मोहम्मद अली दुर्रानी साहब, मारूफ सियासतदान, आपका ताल्लुक फंक्शनल लीग से है, आप साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात भी हैं और आजकल बड़े एक्टिव हैं और टेलीविजन पर आप उनको अक्सर देखते रहते हैं। मोहम्मद अली दुर्रानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, मैं जब भी किसी फिल्म का तذکرہ आता है तो एंटर द ड्रैगन का नाम मेरे जहन में आता है और पाकिस्तान की सियासत भी किसी फिल्म से कम नहीं है, कर्से से चल रही है और जब पाकिस्तानी फिल्म का तذکرہ आता है तो उसमें ब्रेक थ्रू उसी वक्त होता है जब बात एंटर द पीर तक आती है। तो पीर साहब की एंट्री किसी ना किसी ब्रेक थ्रू का पेश खैमा तो होती है, इस बात को तो सबसे पहले आप तस्लीम करेंगे ना दुर्रानी साहब? देखिए जनाब, इस वक्त मुल्कों की अगर आप तारीख उठा के देख लें, इंसानी तारीख उठा के देख लें, अगर कोई काम ऐसा है जिसको हमेशा, जिसका कभी नुकसान नहीं हुआ तो वो अमन का ही है। बेशक। और जब बातचीत के ज़रिए अमन लाने की कोशिश की जाती है तभी अमन आता है, हद तक जंग भी कर लें उसके बाद भी अमन जो होता है वो गुफ्तगू की मेज पर आता है। तो मैं समझता हूँ कि पीर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है वो अमन का इनिशिएटिव है और हम उस इनिशिएटिव को लेके चल रहे हैं तो इस मुल्क में अमन के लिए, भाईचारे के लिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए, एक दूसरे की एहतराम के लिए लेके चल रहे हैं और मुझे अपने रब से बहुत तवक्को है कि इंशाल्लाह इसमें ज़रूर बरकत पड़ेगी। और मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 3 दिनों में पूरे मुल्क के अवाम ने जिस तरीके से अमन की बात को, गुफ्तगू की बात को, डायलॉग की बात को अप्रिशिएट किया है, उससे ये पता लगता है कि ये कौम की उमंग है, कौम की सोच है। और जिस तरह से आपने गुफ्तगू शुरू में ही ये बात की है तो मैं समझता हूँ कि आपने इस मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी की। सर, ये तो कॉम्प्लीमेंट था और कॉम्प्लीमेंट देना बनता है। और पाकिस्तान की सियासी तारीख को हम देखते हैं तो जहाँ जहाँ बड़े मसाइल आते हैं और डेडलॉक्स की सिचुएशन पैदा होती है तो उसमें पीर साहब का अपना एक रोल, रोल को हम नगेट नहीं कर सकते हैं। तो आपने इसको कॉम्प्लीमेंट ही समझा तो बड़ी अच्छी बात है। ये फरमाइएगा, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात में आपकी बात एग्जैक्टली हुई क्या? देखें, मैं बेसिकली जी 4 नुकात थे जो मैं लेके उनके पास गया था। ये मैं बता दूं कि शहबाज साहब जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और पार्लियामेंट जो होती है वो बगैर ऑपोजिशन के कंप्लीट नहीं होती। हुकूमत पार्लियामेंट नहीं होती, हुकूमत और ऑपोजिशन जब मिलते हैं तब पार्लियामेंट बनती है और वो पार्लियामेंट का लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर होता है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है। और इसी तरीके से शहबाज साहब भी लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं तो मेरा ख्याल है पीर साहब का ये सही फैसला था कि उन तक 4 गुजारिशात पहुँचाई जाएँ। पहली गुजारिश ये थी कि इस वक्त मुल्क जो है इस टकराव की कैफियत में वो डायलॉग मांगता है, ग्रैंड डायलॉग मांगता है। दूसरा उनका ये था कि अगर पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग इस्तीफे दे भी देते हैं तो इस्तीफों के बाद भी तो उन्हें डायलॉग करना पड़ेगा, तो क्यों ना इस्तीफे देने से पहले डायलॉग कर लिया जाए और उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लिया जाए जो इस वक्त तक खड़े हुए। और तीसरा उनका नुक्ता ये था कि एक इंतहाई कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट पे किसी की इजारादारी नहीं होती, ये नुमाइंदगी होती है रियासत की, तो पार्लियामेंट का बिजनेस दोबारा शुरू होना चाहिए। और जो चौथी चीज़ थी वो ये थी कि वो मुस्लिम लीगी हैं और उनकी पूरी ये ख्वाहिश है कि इस वक्त जो पाकिस्तान जिस कैफियत से गुजर रहा है उस कैफियत से निकालने के लिए मुस्लिम लीगों को आपस में करीब होके मुस्लिम लीगी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें थी जो बेसिकली मैं लेके पीर साहब की तरफ से शहबाज साहब की तरफ गया था और उनके सामने मैंने ये सारी गुजारिशात रखी। आपने जो गुजारिशात पीर साहब की जानिब से मियां शहबाज शरीफ साहब को की उसके जवाब में आपने उनका रद्द अमल क्या पाया? गो कि ये अब मख्फी नहीं है लेकिन मैं आपसे जो सुनना चाह रहा हूँ, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर, जो आपकी डिस्कशन हुई और उसके जवाब में जो उन्होंने रद्द अमल दिया वो कितना खुश आइन था या कितना इत्मीनान बख्श था?
देखिए उसमें उसमें एक दो पहले बहुत पहलू बहुत इत्मीनान बख्श थे। अच्छा, एक तो बात ये थी कि उन्होंने अपनी पार्टी के जो ओवरऑल लीडरशिप है और उसके डिसिप्लिन की उन्होंने अपने आप को पाबंद होने का इजहार किया। देखिए ये चीज़ें जो होती हैं ये कामों के लिए बड़ी अहम होती हैं कि हम जिस एंटिटी में काम कर रहे हों हमें उसके साथ सिंसियर होना चाहिए। ठीक, इवन पीडीएम के रेफरेंस से भी उनकी सोच जो थी मुस्बत थी। बाकी जो दूसरा मामला है जैसे मुस्लिम लीगों का मामला है, आपस में करीब आने का मामला है, उसके लिए जो है उनकी एक यकीनी तौर पे एक इस चीज़ को उन्होंने पॉजिटिवली लिया। और बाकी जहां तक इस्तीफों और बाकी इश्यूज़ के मामलात हैं तो हम उनकी राय जानते हैं पहले से इश्यूज़ के, कौम भी जानती है। और इसके बारे में यह है कि वो एक मफामत की सोच रखने वाले इंसान हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैंने उन्हें कहा कि आप मफामत का रोल, उन्होंने कहा भी रोल तो मैं तो जेल में हूँ, तो जेल में रहते हुए तो मैं यही कर सकता हूँ कि अगर कोई आ जाएगा तो उसकी बात सुन सकता हूँ। तो ये एक हमने जो ये सब कुछ किया जो वहाँ गए ये एक जेस्चर था। और साथ ही जिस चीज़ को इनिशिएट किया मैंने वहाँ पे कि भाई इस वक्त हम डायलॉग तो इंशाल्लाह आउटकम बनेगा लेकिन इस वक्त हमें ट्रैक टू डायलॉग शुरू करने चाहिए, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि वो डायलॉग जो के महसूस तरीके पे होने के बजाय, जो एक बॉड एजेंडा बना के मीडिया एक्सपोजर के साथ होने के बजाय, दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी से बड़ी जंगों और बड़े से बड़े इश्यूज रहे हैं उनको रिजॉल्व करने में ट्रैक टू डिप्लोमेसी ने हमेशा एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। तो यही तजवीज़ हमारी भी थी जिसको जो कि हमने डेफिनेटली डिस्कस भी की। और मैंने ये महसूस किया है कि पिछले 2-3-4 दिनों में पूरे मुल्क के अंदर जो है एक फिजा बनी है जिसको आज महसूस किया जा सकता है। और सर इस फिजा के बनाने में आपका अपना बड़ा किरदार है, आपका अपना बड़ा किरदार है और फंक्शनल लीग की या पीर साहब पगारा के ख़ानदान का अपना एक किरदार है पाकिस्तान की सियासी तारीख में। फिर ये फरमाइए कि शहबाज शरीफ साहब अब बतौर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और एलआई पीडीएम आपको नज़र आए कि वो आमादा हैं मुज़ाकरात के लिए और वो कन्विंस कर सकेंगे अपनी लीडरशिप को? देखिए इसके बारे में मैं कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं समझूंगा। ठीक है, वो क्या कर सकेंगे वो तो टाइम जाहिर होगा। देखिए आज की बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जो डेवलपमेंट हुई है जी। कल हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक बयान आया गो कि उन्होंने डायलॉग और ग्रैंड डायलॉग की नफी की, मरियम बीबी ने भी इस पर कॉमेंट फरमाया। लेकिन बात यह है कि इस पर कॉमेंट करने का मतलब ये है कि ट्रैक टू डायलॉग शुरू हो गया है। इसी तरीके से देखें कोई डायलॉग जी कोई डायलॉग भी इत्तफाक से तो शुरू नहीं हुआ करता ना। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप इसी पर आना चाह रहा हूँ सर। एक तरफ तो मेरे जो आपकी आपके हवाले से जो खबरें मुझ तक पहुँच रही हैं वो यही हैं कि डायलॉग दोनों तरफ से है, यानी शहबाज शरीफ साहब ने ये तो कह दिया कि मैं जेल में हूँ और मैं चाहता हूँ कि डायलॉग हो लेकिन मैं जेल के अंदर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और इसी तरह से आपके ही तवसत से हमने दीगर प्रोग्राम्स में आपको सुना तो वहाँ से हमें पता चला कि गवर्नमेंट भी कोई इतनी ज़्यादा एग्री नहीं है डायलॉग के ऊपर, आप इसकी तरदीद करेंगे तस्दीक करेंगे? देखिए मैं इस चीज़ की बिल्कुल, ये तो रोज़े रोशन की तरह आया है ना कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एनआरओ की बात आ जाती है, अपोजिशन की तरफ से बात आ जाती है कि जी हम इनके साथ बैठेंगे ही नहीं, तो ये उनकी स्टेटेड पोजिशंस है। इसलिए बल्कि ये इसके ऊपर बात भी हुई कि अगर हुकूमत कह रही हो कि हमने अपोजिशन से बात नहीं करनी और अपोजिशन कह रही हो हमने हुकूमत से बात नहीं करनी तो ऐसी सूरत हाल में बात करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। राइट, तो अब आपका पॉइंट तो आ गया, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन अब आपसे सवाल बनता है ना सर कि आप कराची से, यानी कराची से एक पैगाम लेकर गए एक जेल में और जहां पर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, तो आप एक कंसेंट लेकर गए हैं किसी पार्टी की तरफ से, तो आप किसके कहने पर गए हैं वहां पर? पार्टी की तरफ से आपने बताया तो है नहीं, उसमें गवर्नमेंट की कंसेंट शामिल नहीं है, यानी आप एक फरीक की तरफ से गए हैं या आप एक अंपायर की तरफ से गए हैं, अंपायर की तरह से गए हैं? नहीं, मैं देखिए मैं तो एक पाकिस्तानी
शहरी और पाकिस्तान की रियासत के इस्तेहकाम के लिए काम करने वाली एक पार्टी की तरफ से गया हूँ, जिसके बड़ों का इस मुल्क के क़याम के वक्त से शहादत नोश की हुई और हमेशा मुल्क की सालमियत के लिए उन्होंने हर किस्म की कुर्बानी देने को अपना फ़र्ज जाना है। मैं उनकी तरफ से गया हूँ और मैंने इस डायलॉग को शुरू किया और इस डायलॉग का कॉन्सेप्ट यह है कि स्टेट का हर इदारा, वो कुछ इदारे वो हैं जैसे आप पॉलिटिशियंस हम लोग बोल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो बोल भी नहीं सकते, इंतज़ामिया नहीं बोल सकती, मतलब अदलिया नहीं बोल सकती, इसमें वकला का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है, और एक ऐसा माहौल बनाना कि मुल्क के हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने अपने सफ़ेयर के अंदर इस चीज़ को इस्टेब्लिश करें। और आप ये देख लें कि पिछले 3 दिन के अंदर स्ट्रेसेस कितनी कम हुई हैं मुल्क के अंदर। अपने मौजूद मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहले 2 साल से ही मामलात ऐसे थे और अक्टूबर से शुरू होने वाला मामला दिसंबर तक आ गया, बात इस्तीफों तक आ गई, तो ठंडी हवा का झोंका पहले आता। तो इस बात को भी आप कंफर्म कर दीजिए कि आपको गवर्नमेंट ने नहीं भेजा है, आप खुद से गए हैं बतौर मीडिएटर या इस मामले को रिजॉल्व कराने के लिए, डेडलॉक खत्म हो। हम खुद से गए हैं, पार्टी की तरफ से गए हैं, और हमारे जाने का मकसद इस डेडलॉक को रिजॉल्व करना है। और अब इस डेडलॉक के लिए जब हमने इनिशिएटिव ले लिया है तो हम कहीं भी नहीं रुकेंगे। आप इस मामले में हमारी एनर्जी और हमारी स्ट्रेंथ को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। हम हर हर जगह पे हर हर दरवाजे को जाके खटखटाएंगे। हमारा इस वक्त जो इनिशिएटिव है, हमें पता है कि इस वक्त दोनों फरीक या तमाम मुतल्लिका फरीक जो हैं वो बहुत फासले पे और बहुत ज़हनी शिद्दत के माहौल में और ज़हनी दूरी के माहौल में बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे रोज़े रोशन की तरह इस चीज़ का यकीन है कि जैसे कल सूरज निकलना है वैसे ही कल एक दिन आना है जिस दिन जो है ये डायलॉग हो रहा होगा। और ये डायलॉग अल्लाह करेगा कि इस सारी शिद्दत के बाद जो है एक इदारा जाती हैसियत अख्तियार कर लेगा कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी उसको डायलॉग से ही रिजॉल्व किया जाएगा। अच्छा दुरानी साहब, इस तरह के डेडलॉक की सूरत में अगर ट्रैक टू मुज़ाकरात नहीं होते तो सिचुएशन डेडलॉक की जो है बड़ी गंभीर हो सकती है, तो उस सूरत में पछतावा किसी एक फरीक का मुकद्दर बन सकता है। आपकी नज़र में अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है और दोनों तरफ से पेशरफ नहीं होती, बात इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और धरनों तक चली जाती है, तो पछतावा किसका मुकद्दर बनेगा? मैंने ये वहां अंदर भी बात की थी, मैंने बाहर भी बात की थी, अभी मैं ये पछतावा दोनों के लिए होगा। अच्छा, जंग में कोई नहीं जीता करता, ऐसी जंगों में, सियासी जंगों में और मुल्क के अंदर जो टकराव की कैफियात होती है इसमें कोई नहीं जीता करता। इसमें हुकूमत देखें, एक मेरे उस कल भी कहा है, मैंने कहा चंद महीने बाद अगर टकराव ख़त्म ना किया तो हुकूमत की क़यादत खुद कह रही होगी कि हमसे गलती हुई, हमें टकराव नहीं पैदा करना चाहिए। तो अगर ये टकराव कायम रहा और इसके नतीजे में जमहूरी अमल को किसी किस्म का कोई धचका लगा तो तब अपोजिशन भी कहेगी कि हमें इस वक्त कोई रास्ता बना लेना चाहिए था। मैं 70s की तरफ लेके जाऊँगा, इतना सख्त तनाव था, लेकिन उस वक्त भी PNA की ऑपोजिशन लीडरशिप और भुट्टो साहब जो है वो एक मेज़ पे दिनों महीनों बैठे रहे, ठीक है जी, और बहुत आगे तक वो बातों को ले गए। अनफॉर्चुनेट नतीजा निकला, लेकिन वो एक पैगाम है आज के सियासत के लिए कि जनाब मेज़ पे बैठ के आप बहुत ज़्यादा टेंस सूरत हाल में भी एक किरदार अदा कर लेते हैं। लेकिन मैं उस वक्त के ज़माने के भी बता दूँ कि मुस्तफ़ा सादिक साहब से लेके बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने उस टेबल तक लाने में बहुत किरदार अदा किया था। तो और ये नवाब आपको लगता है, आपको लगता है, बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है नवाबजा रसूल खान साहब का आप तस्करा कर रहे हैं, आपको लगता है कि हुकूमत ये गलती करेगी कि आज से 6 महीने 8 महीने के बाद उसको इस डेडलॉक की सिचुएशन में एक ऐसा फरीक जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में अहमियत रखता है और जब भी सामने आता है तो कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होता है, उसकी बात ना माने और ये गलती करे और 6-8 महीने के बाद पछताए, आपको ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर इस वक्त जो एक और बहुत ही
पॉजिटिव इंडिकेटर है वो आप कुछ भी बहुत बातें करते हैं लोग मीडिया के बारे में, हर मुखालिफ कहता है जी मीडिया जो है जिसको मीडिया जिसके खिलाफ बात कर दे उसके खिलाफ हो जाता है। हाँ। लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मीडिया जो है वो अपनी बेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल टैलेंट के साथ जो है वो डायलॉग के फिजा और एटमोसफेयर को बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहा है इस वक्त जी। और आप, मैं किसी से भी मिला हूँ, किसी ने इसके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया, किसी ने मुझे डिस्करेज नहीं किया, और इवन हमारे जितने भी लोग इस सोच को रखने वाले हैं वो समझ, इवन वो लोग जिन्होंने अपने जिम्मे लिया हुआ है कि उन्होंने उल्टी चाबी घुमानी है, वो परेशान हो रहे हैं कि ये मीडिया तो सारे का सारा जो है वो प्रो कन्फ्रंटेशन के बजाय प्रो डायलॉग, वो समझ रहे थे कि ये रेटिंग के लिए लोगों को लड़वाते रहेंगे। हाँ। लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं है कि मीडिया का रोल इस मुल्क के अंदर जो है वो बहरहाल एंड ऑफ द डे मुल्क के लिए होता है, किसी के मफाद के लिए नहीं होता, या पाकिस्तान के मफाद के लिए ही होता है, हम पाकिस्तानी हैं जी। और मीडिया का ये रोल जो है मुझे लगता है कि ये बड़े से बड़े चौगादरियों को भी मजबूर कर देगा कि वो आवाम की सोच और मुल्क की मफाद के लिए जो है अपने सरों को झुकाए और अपनी नफरतों को घटाए और मुस्बत सोचों को बढ़ाए। सर, मीडिया इज़ प्रो पीस एंड प्रो डायलॉग, और हमेशा से ये कोशिश रही है। अब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हर जगह होते हैं, वो पॉलिटिक्स में भी होते हैं, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर हो सकते हैं, तो उनको एक्सेप्शनल समझ के इग्नोर कर देना चाहिए। अभी आपने तस्करा किया कि बड़ी से बड़ी बर्फ पिघल सकती है जब मीडिया का रोल पॉजिटिव होगा, पब्लिक का रोल पॉजिटिव होगा। अब लेकिन उस एंड पे, जिस एंड पे डेडलॉक ज़्यादा है और बड़ी खतरनाक हद तक है, मैं पीडीएम की बात कर रहा हूँ, उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी फूट पड़ चुकी है गो, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं कि इस्तीफे देंगे। आप एक जीरक सियासतदान हैं, आप वजीर इत्तला भी रहे विफाक के, आपको लगता है कि इस्तीफे जिस टाइम का तस्करा किया गया है उस टाइम फ्रेम के अंदर ही आएंगे, इस्तीफे डिले होंगे? सर, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो माहौल बना है और आप लोगों की मेहरबानी से जो इस मुल्क के अंदर एक फिजा बनी है प्रो पीस, मुझे इस्तीफों का प्रोसेस जो है उसमें कुछ टाइम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, और जो हमने, मैंने वहाँ भी उस दिन भी यही बात की थी कि बात तो इस्तीफों के बाद भी होनी है, क्यों ना इस्तीफों से पहले ही बात कर ली जाए। और मुझे अपने रब पे और अपने मुल्क पे और अपने मुल्क के रोशन मुस्तकबिल पे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इस्तीफों से पहले ही बातचीत शुरू हो। पीर साहब पगारा खान साहब से मुलाकात कब कर रहे हैं? सर, इस हवाले से कोई बात आप शेयर कर सकते हैं हमसे, क्योंकि उनकी मुलाकात के बाद ही बहुत सारी परतें खुलेंगी और हम तक बातें पहुंचेंगी, उससे पहले तो बहुत सारी चीज़ें परतों के अंदर ही रहती हैं। तो कब तक एक्सपेक्टेड है पीर साहब मुलाकात कर रहे हैं खान साहब से? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ट्रैक टू डायलॉग जो है उसमें अगर मुलाकातें हों भी तो वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए जब मुलाकातें नज़र आती हैं फिर उसके ऊपर बातें होती हैं, फिर कमेंट्स होते हैं, फिर गुस्सा और नफ़रतें बढ़ती हैं। मैं तो ज़रा ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ टकराव से पहले की बात करने का और टकराव से छोटी रास्ते निकालने का, ठीक है। लेकिन होता ये है कि जब ये वसी पैमाने पे मीडिया एक्सपोजर फैलता है तो फिर मुझे आप जितना भी जोर कर लें मुझे टकराव तक नहीं ले जा सकेंगे। तो इसलिए ये जो सारी रात मुझे एकदम से किसी ने पूछा जी ये बयान आ गया है मियाँ साहब का, ये बयान आ गया उनका, तो मैंने कहा यही तो चाहिए, इंतज़ार था कि वो इस इशू पे कमेंट करें, बस बात शुरू हो गई, डायलॉग शुरू हो गया। तो बैन ही और अमन का जो रास्ता होता है और जो एजेंडा अल्टीमेटली बनता है वो इख्तलाफ से ही चलता है। जब तालिबान और अमेरिका लड़े थे उसी वक्त कहीं बैकडोर पे डायलॉग भी हो रहा था, जब वियतनाम और अमेरिका खंजर बकफ थे एक दूसरे के मुकाबले में उसी वक्त डायलॉग भी, और कितनी वाकियात में आपको सुनाऊं तारीख के अफताले मिले में। तो इसलिए मुझे बड़ा इसके ऊपर यकीन है, और अगर मुलाकातें होंगी भी तो उस वक्त तक मुलाकातें ही होंगी, आखिर में जब कोई एजेंडा सेटिंग हो जाएगी, और एजेंडा सेटिंग होने का मतलब ये है कि उस वक्त फिर मसला रिजॉल्व होना शुरू हो जाए, तो वो फिर सब चीजें आपके सामने आएंगी। दुरानी साहब, आप कम्युनिकेशन को देखते रहे हैं और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट को देखते रहे हैं, और आप बड़े ठंडे सियासतदान हैं, मुझे अच्छी तरह याद है आपकी गुफ्तगू का अंदाज और लहजा बड़ा धीमा हुआ करता था, और अब जो हुकूमत आई है 2018 के बाद से, आपको ऐसा नहीं लगता कि अब जब किसी एक पॉइंट के ऊपर तर्जुमान या वज़रा
हार्ड लाइन ले लें तो वो खुद सहूलत कार का किरदार अदा कर रहे होते हैं, अपने अपोनेंट को उस ग्राउंड पे, उस पिच पर आकर मजीद खुलकर खेलने के लिए मौका देने के लिए। तो ये गलती कहीं ना कहीं हुकूमती बुजुर्ग और तर्जमानों की भी तो है, वरना नौबत यहां तक तो ना आती। देखिये, मैं देखे जो दोस्ती होती है, दोस्ती में तनकीद भी हुआ करती है जी। मैं तो कई दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि हफ्ते में 6 मीटिंग्स होती हैं तर्जमानों की जी। हाँ, उसके बजाय 6 मीटिंग्स अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे हों, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे हों, पाकिस्तान के इश्यूज़ पे हों तो ज़्यादा अच्छा लगे और उससे मुतालिक खबरें आएँ। बात ये है कि हमने पूरी जो कॉपी राइटिंग है वो इस वक्त शिद्दत के जज्बात और शिद्दत के अल्फाज पैदा करने के लिए अपनी ज़हनी सलाहियतों को लड़ा रही है दोनों तरफ से। तो इस वक्त हुकूमत के जो स्पोक्स पर्सन हैं, मैं तो अगर मेरे से हुकूमत मशवरा मांगे तो मैं कहूँगा कि कम से कम अगले 2 महीने के लिए सारे स्पोक्स पर्सन को किसी अच्छे काम पे लगा दें। अपोजिशन अगर कुछ कहती भी रहे जवाब ही ना दे। हाँ। जवाब ही ना दे। भाई हम कहा करते थे कि अब मैं तो खुद, चूंकि आप भी मीडिया के बंदे हैं, मैं कि आप जब कोई अहम आदमी किसी इशू के ऊपर किसी के जवाब में कुछ कह देता है तो वो खबर फिर 4 दिन की खबर बन जाती है, वरना 1 दिन में खत्म हो जाती है। एब्सोल्युटली राइट। इस वक्त हुकूमत को टकराओ और जी 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 बोलिए बोलिए। हाँ, हुकूमत को टकराओ और हुकूमत को शिद्दत और हुकूमत को शदीद अल्फाज और दूसरे को आप जब बयान दे के उतरते हैं ना, आप कहते हैं यार मैंने तो उसको तबाह कर दिया, जब उसका जवाब आता है तो वो फिर आपको तबाह करने पे चल पड़ता है और कोई भी तबाह नहीं होता, मुल्क तबाह होता है। तमाम तर रिफ्ट के अंदर, डेडलॉक के अंदर अगर किसी का नुकसान होता है तो मुल्क का नुकसान होता है। जनाब मोहम्मद अली दुर्रानी साहब, फंक्शन सीनियर रहनुमा और आप साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात पाकिस्तान के, वफाक के रहे, आप इस वक्त एक काबिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह डेडलॉक की सिचुएशन जो कि पीडीएम और गवर्नमेंट के दरमियान चल रही है वो ख़त्म हो। आपकी काबिश है सर आँखों पर, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सिलसिला और सिचुएशन बनती है। नाज़रीन प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, फिर हाज़िर होंगे प्रोग्राम से। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।